अमेरिका और वेस्टइंडीज के 9 स्टेडियम जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 को होस्ट करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आखिरकार T20 वर्ल्ड कप 2024 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, जिसमें वेस्टइंडीज और अमेरिका के 9 मकामात T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी करेंगे। वो कौन से स्टेडियम है जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए चुने गए हैं, आइए उनकी फहरिस्त जान लेते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक शुरू कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको क्रिकेट के हवाले से लेटेस्ट अपडेट वक्त पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि वेस्टइंडीज और अमेरिका में शेड्यूल है और ICC ने इसका शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया है जो कि 1 जून से अमेरिका में स्टार्ट होगा और इसका फाइनल 29 जून को बारबेडस के मकाम पर खेला जाएगा। तो उसके लिए 9 स्टेडियम सिलेक्ट किए गए हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 को होस्ट करेंगे। इस लिस्ट में जो नंबर 1 पर स्टेडियम है वो है ग्रैंड प्रेयर क्रिकेट स्टेडियम, डेलस के मकाम पर मौजूद। ये क्रिकेट स्टेडियम ओपनिंग मैच को होस्ट करेगा जो कि 1 जून को अमेरिका और कनाडा की टीमों के दरमियान खेला जाएगा और इस डेलस के मकाम की कैपेसिटी 15,000 है और ये T20 वर्ल्ड कप 2024 के 4 मैचेस को होस्ट करेगा जिसमें पाकिस्तान का मुकाबला अमेरिका का मैच भी शामिल है। और इस लिस्ट में जो नंबर 2 पर स्टेडियम है वो है न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम, 35,000 तमाशाइयों को अंदर आने इजाजत देता है और ये स्टेडियम अभी रेनोवेट होना है और इसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। वैसे ये पार्क में मौजूद है और ये 7 मैचेस को होस्ट करेगा जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का ब्लॉकबस्टर 9 जून को शामिल है। इस लिस्ट में जो नंबर 3 पर स्टेडियम है वो है सेंट्रल ब्रोवर्ड पार्क फ्लोरिडा, फ्लोरिडा का मकाम जो कि 20,000 तमाशाइयों को अंदर आने इजाजत देता है। ये स्टेडियम ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के 4 मैचेस की मेजबानी करेगा और इसमें ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का ब्लॉकबस्टर भी शामिल है। इस लिस्ट में जो नंबर 4 पर स्टेडियम शामिल है वो है आर्नोस वेल क्रिकेट स्टेडियम, वेस्टइंडीज का खूबसूरत स्टेडियम जो कि सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडीज के मकाम पर मौजूद है और इस स्टेडियम की कैपेसिटी 18,000 है और ये भी T20 वर्ल्ड कप 2024 के 5 मैचेस की मेजबानी करेगा। इस लिस्ट में जो नंबर 5 पर स्टेडियम है वो है सर वेवन रिचर्ड क्रिकेट स्टेडियम, एंटीगा एंड बरबुदा के मकाम पर मौजूद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि 10,000 तमाशाइयों के लिए कैपेसिटी रखता है और ये एंटीगा एंड बारबुदा का मकाम T20 वर्ल्ड कप 2024 के 8 मैचेस की मेजबानी करेगा। इस लिस्ट में जो नंबर 6 पर स्टेडियम है वो है डेरन सैमी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सेंट लुशिया का मकाम जो कि 15,000 तमाशाइयों को लेकर कैपेसिटी रखता है। ये स्टेडियम T20 वर्ल्ड कप के 6 मैचेस की मेजबानी करेगा जिसमें वेस्टइंडीज बामुकाबला अफगानिस्तान का मैच भी इसमें शामिल है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के स्टेडियम की लिस्ट में जो नंबर 7 पर है वो है प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना, नेशनल स्टेडियम गयाना जो कि 20,000 तमाशाइयों को लेकर कैपेसिटी रखता है। ये T20 वर्ल्ड कप 2024 के 6 मैचेस को होस्ट करेगा और ये गयाना का मकाम ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला वेस्टइंडीज के ब्लॉकबस्टर को भी होस्ट करेगा। इसके बाद इस स्टेडियम यानी कि प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना पर T20 वर्ल्ड कप 2024 का पहला सेमीफाइनल 26 जून को खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 की होस्टिंग लिस्ट में नंबर 8 पर स्टेडियम है क्वींस पार्क ओवल, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो का मकाम जो कि 20,000 तमाशाइयों के लिए कैपेसिटी रखता है। ये स्टेडियम T20 वर्ल्ड कप 2024 के 5 मैचेस की मेजबानी करेगा और बहुत इंपॉर्टेंट मैच यानी कि 27 जून को ये सेकंड सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप का भी इस पर होस्ट किया जाएगा। और T20 वर्ल्ड कप 2024 की होस्टिंग लिस्ट में जो नंबर लास्ट पर स्टेडियम है ये है कैनसिंगटन ओवल बारबेडस, ब्रिज टाउन के मकाम पर जो स्टेडियम मौजूद है जिसकी कैपेसिटी 28,000 है। ये स्टेडियम T20 वर्ल्ड कप 2024 के 9 मैचेस की मेजबानी करेगा और फाइनल से पहले बहुत बड़ा मैच जो कि इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान 8 जून को है, ये भी बारबेडस के मकाम पर खेला जाएगा। और कैनसिंगटन ओवल बारबेडस जो कि वेस्टइंडीज का काफी तारीखी वेन्यू है, ये स्टेडियम 29 जून 2024 को ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल होस्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये 9 स्टेडियम ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए चुन लिए गए हैं। आपका इन तमाम स्टेडियम्स में से फेवरेट स्टेडियम कौन सा है उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए।